हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की, जिसमें हमने देखा कि राहुल ने गुलाटी के सामने वो सारी बातें करी, क्योंकि गुलाटी ने ही उसे कहा था जो भी अनुपमा के साथ हुआ। मतलब ये कि काकरोच डाला जो खाने में, और जिसके ऐसे अनुपमा को इतना सहना पड़ा, इवन तोशु को भी फंसाया। तो इस तरह का वो कन्फेशन करते हुए दिखे थे, बात करते हुए दिखे थे। और जब अनुपमा को पता चलता है तो अनुपमा को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी वजह से इतना कुछ उसे सहना पड़ा। तो चलें इस पे बात करते हैं। फाइनली हमारे सामने कल्प्रिट आ गए हैं, हमारे सामने ये बात आ गई कि तोशु को भी फंसाया गया है, अनुपमा को भी के ऊपर जो इतना सब कुछ किया है वो राहुल हैं, जो गुलाटी के साथ मिलके ये सब कुछ किया है उनके कहने पे। तो आप क्या बोलोगे? अच्छा ड्रामा मुझे लगा कि जिस तरीके से चीजें हुई है। गुलाटी ने अच्छा, एक अपने बात ही आपको बोलूंगी आगे जाने से पहले, भाई बाबूजी स्टिल मतलब जो हैं उनको बोलते हैं कि तुम और तुम्हारा बेटा अभी भी मतलब मेरी बेटी के पीछे, तो मतलब ये अभी तक चल रहा है इनका कि ये बाबूजी की बेटी के अगेंस्ट ये दोनों चल रहे हैं। हमेशा से वही होता है। द मोमेंट अनु डज समथिंग रियली नाइस और समथिंग वेरी गुड और मीनिंगफुल फॉर देम, तब दे'ल बी लाइक ओह शी सो नाइस, शी सो गुड एंड दिस थिंग एंड ऑल। बट दैट मोमेंट पासेस एंड दे आर बैक टू टॉन्टिंग हर, इंसल्टिंग हर, थिंकिंग दैट शी इज देयर नंबर वन एनिमी। तो वो तो चलता ही रहता है इनका। कमिंग बैक टू द एपिसोड एंड द प्रीकैप, यस फाइनली द कल्प्रिट हैज बीन कॉट एंड मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से वो पूरा ड्रामा हुआ। नथिंग ओवर द टॉप एक्चुअली, बट एटलीस्ट जिस तरीके से वो बात निकल के आया ना कि राहुल का क्या योगदान रहा है, उसने क्या क्या किया है, वो काफी अच्छा लगा मुझे। एंड इट्स नाइस टू सी दैट अनुपमा इज नॉट सो फॉरगिविंग। ओवरऑल एपिसोड वॉज वेरी गुड एंड प्रीकैप इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि मुझे जो बीजी और यशदीप जी आए हैं उससे ज्यादा मुझे द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रीकैप बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे अनुज श्रुति को बोलते हैं कि मैं वापस आके सबसे पहले उस फूड क्रिटिक से मिलूंगा। मुझे जानना है कि मुझे जानना है कि उसको इतनी क्या जल्दी थी ये छापने के लिए या इनका रेस्टोरेंट बंद करवाने के लिए। डिड शी नॉट डू प्रॉपर इंक्वायरी, या फिर उसे सच पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की एंड ऑल दैट। और हम देखते हैं कि श्रुति का चेहरा पूरा मुरझा जाता है, उसके चेहरे से रंग ही उड़ जाता है। यस लुक्स लाइक ऐसा लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। अनुज तो उस फ्रूट क्रिटी को लेके बोल रहा था, बट लुक लाइक श्रुति इज अफेक्टेड बाय व्हाट ही सेड। तो यस प्रीता मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यशदीप आना, उन्होंने सॉरी भी, माफी भी मांगी। दैट अच्छी एक बात कही उन्होंने कि हैप्पी टाइम्स में तो हर कोई साथ देता है, मगर दोस्ती तो वही होती है जो बैड टाइम्स में भी आपका साथ दो। और हमने जब आपका एक बैड टाइम था या जब आपके ऊपर इतने सवाल उठ रहे थे, आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने आपका साथ छोड़ दिया, तो प्लीज फॉरगिव मी एंड ऑल दैट। दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम टू से। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, दैट इज व्हेन ऑल दीज रिलेशनशिप काउंट्स द मोस्ट। तो वो रियलाइजेशन उनको हुआ, अच्छी बात है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि क्या करने वाली है अनुपमा, क्योंकि जस्ट प्रूविंग दैट शी इज नॉट द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज नॉट इनफ। शी हैज टू गेन बैक हर क्रेडिबिलिटी, शी हैज टू मेक श्योर दैट स्पाइस एंड चटनी वापस से रीओपन करे। तो देखने में अच्छा लगा, देखने में मजा आ रहा है कि आगे जाके क्या ही होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली आगे देख के क्या होगा, और ये भी देखने में मजा आएगा कि अब का क्या होगा जब चीजें आगे खुलेंगी। जिस तरह से वो स्ट्रेस में आ गई हैं ये सुन के कि भाई अनुज आके सब इंक्वायरी करने वाले हैं, पता करने वाले हैं कि क्यों नहीं सही से उस टाइम पर इंक्वायरी की गई है और चीजें अनुपमा के अगेंस्ट में या छापी गई हैं, पब्लिश की गई हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। तो ये सारा कुछ देखने में मजा आएगा, इंटरेस्टिंग ट्रैक शुरू हो गया है। अगर आपको हमारा ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Falaknath and you guys are watching me on Glitz Vision USA.